हेलो एवरीवन, कम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं टीवीएस रॉनिन का बेस मॉडल। इसके बारे में आज अपन बहुत बातें करेंगे एंड स्पेशली विल कंपेयर इट टू रॉयल इनफील्ड हंटर 350। बिकॉज थोड़े ही दिन पहले मैंने हंटर का वीडियो बनाया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि भैया रॉनिन लेना है या फिर ये लेना है। तो आज इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे कि किसको क्या लेना है। सो दैट विल बी डन इन टुडेज वीडियो। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सीआर टीवीएस फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टीवीएस का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक राउंड से। सबसे पहले मैं आपको टीवीएस रॉनिन के बेस मॉडल का प्राइस बता देता हूं। सो इसका एक शोरूम प्राइस है 1,49,000 रुपीज एक शोरूम। सो दैट्स रियली गुड। प्राइसेस तो यार बहुत तगड़े हैं, बट एक चीज ये भी मैं आपको बता देता हूं इन टर्म्स ऑफ प्राइस कि ये प्राइसेस ना बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं। सेम गोज फॉर हंटर ऑल्सो एंड सेम गोज फॉर रॉनिन ऑल्सो। तो थोड़े ही दिनों बाद आप देखोगे कि प्राइसेस रिवाइज होंगे और बढ़े आएंगे। तो आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। सो ये कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। सो अगर अभी लेना है तो ले लेना, बिकॉज अभी प्राइसेस बहुत तगड़े हैं और आगे जाके अगर थोड़े से बढ़ते भी हैं तो भी ठीक है, बट जब कम में मिल रही है तो क्या दिक्कत वाली बात है। ऑल्सो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूंगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं मिल रही हैं कंपेयर टू द टॉप एंड वेरियंट ऑफ रॉनिन। इसमें आपको तीन वेरियंट्स मिलते हैं, सो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लुक्स के बारे में लाइक बहुत चर्चा है। सो देखो, लुक्स यार एक सब्जेक्टिव थिंग है, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस, अगर मैं प्रेजेंस के बारे में बात करूँ, इस गाड़ी की ज़्यादा प्रेजेंस है कंपेयर टू हंटर। वाई, लेट मी टेल यू स्पेसिफिकली। सो अगर आप इसका टैंक देखोगे ना, टैंक की तरफ से ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर दिखती है, पहली चीज़। सेकेंडली, जो आपको यहाँ पे ये LED लाइटिंग मिलती है ना, मतलब जो आप इंडिकेटर्स देख रहे हो, जो फ्रंट का DRL देख रहे हो, ये सब चीज़ें देख के ना यार लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब ये चीज़ तो देखो यार, मैं रोज़ देखता हूँ, मेरे को समझ में भी आता है कि कौन सी गाड़ी को देख के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसको नहीं हो रहे हैं। सो इस गाड़ी को देख के लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस दिस व्हीकल हैज़ मोर प्रेजेंस। बाकी लुकिंग तो आपके ऊपर यार, आपको किसकी लुकिंग अच्छी लग रही है वो आप डिसाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले सो फ्रंट में आपको मिलते हैं LED हेडलाइट्स, LED टर्न सिग्नल्स, वी ऑल्सो हैव हैजर्ड लाइट्स, एंड एट द सेम टाइम ये आपको ये TDRL मिलता है, जो कि देखने के मामले में बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप ही लोग देखते जाना है यार कि यहाँ पे आपको कितने ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं कंपेयर टू हंटर। सो आप वो खुद ही देखते जाना आप। सो ऑल LED लाइट है, कहीं पर भी आपको इसमें बल्ब नहीं मिलेगा, सो सब कुछ LED है। यहाँ पर आएँ तो आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे गोल्ड एनोडाइज नहीं है, वो आपको हायर वेरियंट्स में मिलेगा, बट यहाँ पे भी आपको USDs मिल रहे हैं, सो दैट्स गुड। या आपको डुअल पर्पज़ टायर्स मिलते हैं, सो वी हैव दिस डुअल पर्पज़ टायर्स, जो कि ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों ही जगह बहुत अच्छे से काम करते हैं, सो दैट इज़ अगेन गुड। इस वेरियंट में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, वी हैव डिस्क एट द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द रियर, बट यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। इफ़ यू वॉन्ट डुअल चैनल तो आपको हायर वेरियंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। नाउ इफ आई कंपेयर इट टू हंटर, यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत बेटर मिल रही है। मतलब अगर मैं एकदम 1.5 लाख रुपए की बात करूँ, तो 1.5 लाख में आपको वहाँ पे क्या मिल रहा है, स्पोक रिम्स मिलेंगे और ट्यूब टायर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको अलॉयज मिल रहे हैं और ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं, विच विल बी वे बेटर इफ़ यू वांट टू राइड दिस मोटरसाइकिल इन सिटी, बिकॉज सिटी के हिसाब से यार कभी भी पंचर हो जाता है, कुछ हो जाता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कन्वीनियंस है। एंड ऑल्सो लुक एट द अलॉयज यार, मतलब प्रीमियम अलॉयज हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम नॉर्मल से दे दिए हैं, सो दैट अगेन लुक्स रियली गुड। अब आते हैं इसके इंजन की तरफ। सो इंजन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा। सो आपको 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, विच इज़ वे बेटर दैन हंटर। सो इफ़ यू वांट टू गो ऑफ रोड, यू कैन डू दैट ऑन दिस मोटरसाइकिल। सो आपको 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। सो येस, द कैपेसिटी इज लेस हियर। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको हंटा जितना टॉक नहीं मिलता है। ये 225.9 cc का इंजन है, ये एयर प्लस ऑयल कूल्ड है, ये प्रोड्यूस करता है 20.4 PS एंड 19.93 Nm का टॉक। बाकी पावर डिलीवरी कैसी है उसके बारे में चलाते टाइम बात करेंगे। किक स्टार्ट आपको यहाँ पे भी नहीं मिलता है, यहाँ पे TVS का बैज है, वी हैव रॉनिन का बैज, दिस पार्ट लुक्स रियली गुड। सो ये सिल्वर फिनिश जो यहाँ पे दी गई है ना, वो देखने के मामले में बहुत अच्छी लगती है। सो ये सब बढ़िया है। आपको 14 लीटर्स का टैंक मिलता है एंड
द टैंक लुक्स रियली मस्कुलर. सो जब आप यहाँ से देखोगे ना, इट लुक्स रियली मस्कुलर. यहाँ पे भी आपको ये अच्छी फिनिश मिल जाती है, मतलब देखो इसमें ज़्यादा फ्लेक्स नहीं है. सो ये सब बढ़िया है. बाकी आपको वायरिंग बहुत अच्छी यहाँ पे दिखेगी, मतलब देखो बिल्कुल भी एक्सपोज वायरिंग नहीं है, जो कि मैंने आपको हंटर में बताया था. हंटर में बहुत एक्सपोज वायरिंग है, बट यहाँ वो दिक्कत नहीं है. यहाँ पे आपका किल स्विच है. हियर वी हैव द मोड बटन फॉर अर्बन एंड रेन मोड, तो आप वो यहाँ से स्विच कर सकते हो. वी हैव हैजर्ड लाइट्स यहाँ पे आपका स्टार्ट करने के लिए. यहाँ पे आपके बाकी स्विचेस हैं. हॉर्न, नाउ ऑन दिस वेरियंट द बेस वेरियंट यू डोंट गेट कनेक्टेड फीचर्स. जो आपको कनेक्टेड फीचर्स टॉप एंड वेरियंट में मिलने वाले हैं ना, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं. बाकी दिस इज प्रिटी मच सिमिलर. सो इसमें आपको टैकोमीटर, गियर प्रेशर इंडिकेटर, क्लॉक, स्पीड, ओडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, आपकी यहाँ पे पूरी टेलटेल लाइट्स हैं, साइड स्टैंड की वार्निंग है. एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू कंट्रोल इट, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो. सो डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे देख पाएंगे. सो दैट ऑल इज रियली गुड. एडजस्टेबल लीवर्स भी आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, जो कि आपको टॉप एंड वेरियंट में मिलते हैं. बट जस्ट लुक एट द मिरर्स, द क्वालिटी ऑफ दिस मिरर्स इज सो डैम गुड यार, मतलब इतनी बढ़िया क्वालिटी है. सो वही मैं कह रहा हूँ यार, मतलब फिट एंड फिनिश के मामले में दिस व्हीकल इज वे बेटर देन हंटर. सीट के बारे में बात की जाए तो सीट इज गुड. आपको ये अलग कलर में सीट मिल रही है, तो वो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है. सो राइडर के लिए भी अच्छी जगह है, पिलियन के लिए भी अच्छी जगह है. यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं. द कुशनिंग इज गुड. यहाँ पे आपको एक स्ट्रैप भी मिलता है. पीछे की तरफ आए तो आपको LED टेल लाइट्स मिलती हैं, LED टर्न सिग्नल्स, एवरीथिंग इज LED. वी हैव अ मोनोशॉक. पीछे की तरफ भी आपको इसमें डिस्क मिलता है ऑन दिस बेस एंड वेरिएंट. एंड इफ़ यू गो फॉर द टॉप एंड वेरिएंट, आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा. सो इफ़ यू वांट डुअल चैनल यू कैन गो फॉर दैट. और पीछे के टायर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो आपको 130 सेक्शन का टायर मिलता है. सो दैट इज़ अगेन गुड. अब आते हैं इस तरफ. सो इस तरफ आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है. ऑल्सो अगर आपने मेरा शॉट देखा तो आपको पता होगा, यहाँ पे आपको ये जो प्लास्टिक का कवर मिल रहा है ना, दैट इज़ ओनली हेयर टू मेक द एग्जॉस्ट नोट बेटर. तो एग्जॉस्ट नोट को बेटर करने के लिए यहाँ पे एक आपको कवर मिलता है, मैं आपको सुनाता हूँ. यू ऑल्सो हैव सेंटर स्टैंड. ऑल्सो लुक एट द चेन, ये पूरी कवर्ड है. ये बेल्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल नहीं है, चेन ड्रिवन है, बट ये पूरी कवर्ड है, जिसकी वजह से आप लोग यहीं पे देख सकते हो कि मैं इसको थोड़ा सा ऑफ रोड लेके आया हूँ. अब ये जो जितनी भी मिट्टी इट्टी है ना, अगर ये कवर ऐसा नहीं होता तो पूरी मिट्टी सीधा जाके चेन पे चिपकती, जिसकी वजह से चेन का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है. बट बिकॉज ऑफ दिस, जो ये पूरा कवर्ड है, मिट्टी ऊपर ही रुक गई और चेन अपनी साफ है. सो चेन का मेंटेनेंस इसकी वजह से कम होता है. नाउ वन प्रॉब्लम दैट यू विल फेस बिकॉज ऑफ दिस कवर, कि चेन को जब आपको साफ करना है ना, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत फील होगी, बट उसके अलावा ज़्यादा दिक्कतें फील नहीं होने वाली, और चेन का मेंटेनेंस इससे कम होता है. सो दैट इज़ अगेन गुड. तो ये सारी चीज़ें हैं. वेट के बारे में बात की जाए तो इस गाड़ी का वेट है 159 kgs. सो ये जो बेस वेरिएंट है ना, ये 1 kg हल्का है व्हेन आई कंपेयर टू द टॉप एंड वेरिएंट. सो इसका वेट 1 kg कम है. सो 159 kgs इज द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, विच इज़ अगेन लेस व्हेन आई कंपेयर टू हंटर. तो वही चीज़ है. बाकी मैं एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ एंड देन वी विल राइड इट. So first of all, we have silent start here. Okay. Now let's go. So start करते हैं इसके इंजन से. Right from the start, यार, initial pickup बहुत अच्छा है. Mid range is really good. The top end is really good. कभी भी आपको पावर की कमी फील नहीं होती है. नाउ द पावर डिलीवरी ऑफ दिस व्हीकल इज ऑन द लिनियर साइड. सो नो मैटर इन व्हाट RPM यू आर, या फिर आप कितना इसको रेव कर रहे हो, आपको ना लिनियर पावर डिलीवरी ही मिलने वाली है यहाँ पे. सो द पावर डिलीवरी इज लिनियर, बट दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ गुड थिंग, बिकॉज कभी भी जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाओगे ना सिटी में, ट्रैफिक में, हाईवे में, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा पावर आ रही है, या फिर गाड़ी में आप पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे फील नहीं होती है. सो द पावर डिलीवरी इज़ ऑन द लिनियर साइड. कभी भी
पावर की कमी फीलिंग होती है, एंड एट द सेम टाइम जब आप इस गाड़ी को सिटी में या फिर ट्रैफिक में चलाओगे कभी भी आपको इसको कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ इफ आई कंपेयर इट टू हंटर, हंटर में भी आपको इनिशियल मिड रेंज बहुत अच्छा मिलता है, बट वहाँ पे आपको टॉप एंड बिल्कुल भी नहीं मिलता जो कि आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो द टॉप एंड इज़ वे बेटर हियर, एंड एट द सेम टाइम येस हंटर में आपको ज़्यादा टॉर्क मिलता है जो कि आप इनिशियल और मिड रेंज में वहाँ पे फील कर पाएंगे। बट यहाँ पे भी आप देखो ऐसा कोई कमी नहीं है, मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि इस गाड़ी में ज़्यादा टॉर्क होना चाहिए या फिर मेरे को टॉर्क की कमी फील हो रही है या फिर आई एम फीलिंग कि यार मज़ा नहीं आ रहा है या फिर पावर की कमी है। नेवर, येस वहाँ पे ज़्यादा टॉर्क है बट इस गाड़ी का वेट भी कम है। एंड लुक एट दिस, आई एम इन फोर्थ गियर राइट नाउ, थ्रॉटल खोल रहा हूँ, गाड़ी भाग रही है, तो मेरे को कभी भी कोई पावर आवर की कमी नहीं है यहाँ पे। सो या मेक्स नो डिफरेंस टू मी, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, यार रिफाइनमेंट आप यहाँ पे देखिए, इतना स्मूथ इंजन है यार इस गाड़ी का, मतलब बिल्कुल भी रिफाइनमेंट में दिक्कत नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है इनिशियली मिड रेंज स्टॉप एंड कहीं पे भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। सो या रिफाइनमेंट इज ऑल्सो सॉर्टेड, हीटिंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की गेयरबॉक्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्लिपर क्लच हियर, अब स्लिपर क्लच होने की वजह से यार द क्लच इज सो डैम लाइट ऑफ दिस मोटरसाइकिल कि आप इसको आराम से यूज़ कर पाओगे। लाइक आप देख सकते हो मेरा आज हाथ कट गया है, बट स्टिल मैं इतने आराम से इसको यूज़ कर पा रहा हूँ, सिटी में चलाते टाइम भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। बल्कि यहीं पे अगर मैं अपनी मोटरसाइकिल के बारे में बात करूँ, KTM Duke 200, उसको चलाने में मेरे को इतनी दिक्कत हो रही थी बिकॉज ताकत लगाना पड़ रहा था, बट यहाँ पे कोई ताकत लगाना ही नहीं है। सो स्लिपर क्लच होने की वजह से आप बहुत आराम से इस गाड़ी को चला पाएंगे। सेकेंडली बिकॉज इट्स स्लिपर क्लच, सो अग्रेसिव डाउनशिफ्ट के टाइम गाड़ी बिल्कुल भी स्किड नहीं होती। अब इस गाड़ी में आप अग्रेसिव डाउनशिफ्ट क्या ही करोगे, बट ठीक है गाड़ी बिल्कुल स्किड नहीं होगी। आपको 5-speed गेयरबॉक्स मिलता है सेम लाइक हंटर 350, बट द गेयरबॉक्स इज लाइक मोर स्मूथ हियर। सो यहाँ पे आपको और कम ताकत लगाना है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपको और कम ताकत लगाना है। बहुत ही स्मूथ गेयरबॉक्स है, मल्टीपल डाउनशिफ्ट अपशिफ्ट कोई दिक्कत आपको फील नहीं होगी। हंटर में आपको डाउनशिफ्ट करते टाइम थोड़ा सा अटकता है वो गेयरबॉक्स, ये बिल्कुल भी नहीं अटकता। सो अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट जो करना है करो, वेरी स्मूथ गेयरबॉक्स, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सिटिंग पोजीशन तो यार बहुत कंफर्टेबल है, मतलब आप एकदम ही कंफर्टेबल बैठते हो यार, हैंडल बार आपकी तरफ आता है, फुट पेग्स आगे की तरफ हैं। सो वी हैव दिस फॉरवर्ड सेट फुट पेग्स, नॉट रियली फॉरवर्ड बट हल्के से फॉरवर्ड हैं जो कि हंटर में नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस फॉरवर्ड सेट फुट पेग आपको ज़्यादा कम्फर्ट मिलता है, सो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। एंड सीट भी यार बहुत कम्फर्टेबल है, सो कम्फर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस बिग टैंक हियर आपको ना, मतलब वो बिग बाइक का फील तो आता है, मतलब कभी भी आपको ऐसा ही लगेगा कि यार राइडिंग अ स्मॉल मोटरसाइकिल या फिर कम कैपेसिटी की मोटरसाइकिल चला रहे हो, कभी भी ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस बिग एरिया इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट्स रियली गुड। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव सिंगल चैनल ABS ऑन दिस वेरियंट, दिस इज द बेस वेरियंट, एंड वी हैव डिस्क एट द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द रियर। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। सो ABS नहीं है उसकी वजह से गाड़ी स्किड हो गई, तो ठीक है, यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन फॉर द डुअल चैनल ABS, सो आप उसके साथ भी जा सकते हो। बट अगर इसके बारे में बात की जाए, द बाइट वॉज गुड, द फीडबैक वॉज गुड, द स्टॉपिंग पावर वॉज गुड, और ABS नहीं था तो गाड़ी ने थोड़ा सा स्किड किया, वो ठीक है। अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज ऑल्सो गुड मैन, लाइक द बाइट इज गुड, फीडबैक बहुत ज़्यादा नहीं है, फीडबैक मेरे को उतना ज़्यादा नहीं लगा, बट द बाइट वॉज गुड, द स्टॉपिंग पावर वॉज गुड, ब्रेकिंग में कोई कमी फील नहीं हुई मेरे को, सो दैट इज़ अगेन गुड। एंड एट द सेम टाइम मतलब हंटर से अगर मैं कंपेयर करूँ ना, द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज लेस, जिसकी वजह से ना आपको जब ब्रेक लगाते हो तो आपको एकदम से ऐसा ही लगता है कि यार गाड़ी एकदम आगे की तरफ आ रही है और मेरे को एकदम फेंक देगी, वैसा आपको यहाँ पे फील नहीं होता है। सो यू फील मोर कंट्रोल्ड वाइल ब्रेकिंग, सो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। ये मैंने आपको हंटर के वीडियो में भी बताया था कि यार ब्रेकिंग में और पॉट होल में जाते टाइम आपको उस गाड़ी का वेट फील होता है, बाकी टाइम तो कुछ फील नहीं होता, बट जब आप एकदम से कोई चीज़ में जाते हो ना तब आपको वहाँ पे वेट फील होता है उस गाड़ी का। सो या ब्रेकिंग इज़ गुड हियर, और सिंगल चैनल ABS है इस गाड़ी में, ABS ने भी बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया। इफ़ यू वॉन्ट डुअल चैनल उसका भी आपके पास ऑप्शन है। वी ऑल्सो हैव अर्बन एंड रेन मोड, सो आप ABS को कंट्रोल भी कर सकते हो कैसा आपको चाहिए। इफ़ यू पुट इट इन अर्बन तो
कम इंट्रूसिव हो जाएगा, रेन में ज़्यादा इंट्रूसिव हो जाएगा। और मैंने जब इस गाड़ी को गोवा में चलाया था यार, वहाँ पे रेन मोड वॉज सो मच गुड, मतलब इतना काम का था, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी। बट बिकॉज ऑफ रेन मोड मेरे को बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है या फिर ब्रेकिंग के टाइम मेरे को कोई दिक्कत फील हो रही है। सो रेन मोड वर्क्स रियली नाइसली ऑन दिस मोटरसाइकिल। अब ये मोड्स आपकी पावर को अल्टर नहीं करते हैं, सिर्फ ABS को अल्टर करते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो TVS ने जब इस गाड़ी को लॉन्च किया था, उन्होंने कहा था दिस इज़ एन अनस्क्रिप्टेड मोटरसाइकिल, सो यू कैन टेक इट ऑफ रोड ऑल्सो, यू कैन राइड इट ऑन रोड ऑल्सो। सो कभी भी आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन राइड इट द वे यू वॉन्ट। और वो चीज़ यार सस्पेंशन में रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज व्हेन आई एम राइडिंग दिस मोटरसाइकिल ऑन रोड मेरे को वो स्टिफनेस फील हो रही है, वो कंपोजर फील हो रहा है, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी के मामले में दिक्कत फील नहीं हो रही है। बट एज सून एज आई टेक दिस मोटरसाइकिल ऑफ रोड, मतलब अगर मैं यहाँ पे उतार दूँ, एकदम से ये सस्पेंशन यहाँ सब कुछ एब्जॉर्ब करने लगता है, मतलब वो स्टिफनेस एकदम से गायब हो जाती है। सो आई गेट दैट कम्फर्ट, गाड़ी मेरे को एकदम से वो बाउंस नहीं कराती है, जर्क नहीं मारती है। यहीं पे अगर मैं हंटर के बारे में बात करूं, हंटर का फ्रंट सस्पेंशन इज़ गुड, बट द रियर वन इज़ नॉट दैट गुड, इट्स रियली हार्ड, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी पीछे से कंफर्ट नहीं मिलने वाला है उस मोटरसाइकिल में। सो वो दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सो द सस्पेंशन इज़ लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आपको कम्फर्ट भी मिलता है, स्टेबिलिटी भी मिलती है, आराम से आप इस गाड़ी में 90 की स्पीड में क्रूज़ कर पाओगे, तो वो भी यार बहुत बढ़िया बात है। मतलब अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाना चाहते हो, 90 की स्पीड आप आराम से कैरी कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको फील नहीं होगी। सो इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, और फ्लेक एक कराने में भी इस मोटरसाइकिल को कोई दिक्कत फील नहीं होती है, मतलब इतने आराम से फ्लेक एक हो जाती है कॉर्नर्स के अराउंड भी, यू कैन ईजिली लीन दिस मोटरसाइकिल। द टायर्स ऑल्सो, द टायर्स आर दिस दिस डुअल कंपाउंड टायर्स, बट ये ऑन रोड भी यार इतनी बढ़िया ग्रिप देते हैं, मतलब ऑफ रोड तो देते ही हैं, ऑन रोड भी आपको इतनी बढ़िया ग्रिप देने वाले हैं, सो दैट्स अगेन गुड। माइलेज के बारे में बात की जाए तो इस गाड़ी से आपको आराम से 32-35 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज मिल सकता है, बिकॉज सी द थिंग इज आपको ना इस गाड़ी को ज़्यादा रेव नहीं करना है, यू हैव गुड पावर इनिशियली मिड रेंज, सो आपको इसको ज़्यादा रेव नहीं करना है, जिसकी वजह से यू विल गेट रियली गुड माइलेज फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। आप इसको आराम से भी चला सकते हो, अगर तेज़ चलाना है तो तेज़ भी चला सकते हो, बट आराम से चलाओगे तो 32-35 किलोमीटर्स पर लीटर आपको इस गाड़ी से मिल जाएगा, सो दैट इज़ अगेन गुड। रीडिंग दिस इज़ नो इशू, एवरीथिंग फील्स रियली गुड, मतलब फिट एंड फिनिश के मामले में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक दिस मोटरसाइकिल ऑफ रोड, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलता है ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस 181 mm का, which is way better than the 150 mm you get on Hunter, so you can take this motorcycle off-road also, and also the tires perform really nicely off-road too, मतलब on-road तो करते ही हैं, off-road भी बहुत अच्छे से perform करते हैं, so yeah that's good। so अब एक काम करते हैं, verdict के बारे में बात करते हैं। so अब बात करते हैं कि आपको Hunter लेना चाहिए या फिर Ronin लेना चाहिए। so see the problem here is not regarding the features, मतलब अगर आप feature wise देखोगे this motorcycle is a clear winner, यहाँ पे आपको इतने फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको हंटर में मिलते भी नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज नॉट रिगार्डिंग द फीचर्स, द प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग द फील। देखो रॉयल इनफील्ड वॉज नेवर नोन फॉर इट्स क्वालिटी, रॉयल इनफील्ड वॉज नेवर नोन फॉर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फीचर्स, मतलब आप सबको पता है यार रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल कभी भी खराब हो जाती है, उसमें कोई इतने सारे फीचर्स तो आपको मिलते नहीं है। रॉयल इनफील्ड वॉज ऑलवेज नोन फॉर इट्स फील, जो एक रॉयल इनफील्ड चलाने का फील है ना वो उसी की वजह से जाना जाता था। अब यहाँ पे हंटर के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फील नहीं है, अब फील नहीं है तो यू आर नॉट इवन प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फीचर्स, फीचर्स भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, फील भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो किस बेसिस पे यू विल विन? सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम विथ हंटर यार। मतलब मेरे को खुद रॉयल इनफील्ड इतनी पसंद है, बट वेन आई रोड दैट मोटरसाइकिल मेरे को कोई फील ही नहीं आया, और फील नहीं आया तो जब मैंने उसको इससे कंपेयर किया, दिस मोटरसाइकिल इज़ प्रोवाइडिंग वे मोर वैल्यू फॉर मनी, मतलब यहाँ पे इतने फीचर्स हैं, इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इट्स मोर फन टू राइड, इसको आप ऑन रोड ऑफ रोड कहीं पे भी लेके जा सकते हो, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस है, ज़्यादा फीचर्स हैं, उसी के साथ साथ LED लाइट्स, ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। फिट एंड फिनिश के मामले में भी दिस मोटरसाइकिल इज़ वे बेटर देन हंटर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार फिर देखो जब वहाँ पे फील मिल ही नहीं रहा है तो मैं उस मोटरसाइकिल के साथ जाऊँ क्यों? मैं अपना पैसा बचाऊं या तो मैं एक ऐसी मोटरसाइकिल ले लूं जहां पे मेरे को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, जो कि याली मोटरसाइकिल है,
सो दैट इज द प्रॉब्लम विथ हंटर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी आपने मतलब कोई भी रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल में छोटा एग्जॉस्ट देखा है? मतलब कोई भी देख लो, क्लासिक देख लो, मीटियोर देख लो, हिमालयन देख लो, कॉन्टिनेंटल देख लो, जीटी देख लो, कोई भी देख लो, हर मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट एकदम एंड तक जाता है मोटरसाइकिल के, बट हंटर में है क्या वो? मतलब ये वही प्रॉब्लम है कि आपका नाम सोनू है और आप मोनू बनने की कोशिश कर रहे हो। अब आप जब तक सोनू हो यू आर दिस यूनिकनेस, आप यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं है, बट अगर आप मोनू बनने की कोशिश करोगे तो मोनू तो ऑलरेडी है ना, तो जब आप मोनू बनोगे तो फिर हारोगे ही। सो दैट इज द प्रॉब्लम विथ हंटर यार, दे आर ट्राइंग टू मेक दैट मोटरसाइकिल अ मास मार्केट मोटरसाइकिल, बट रॉयल इनफील्ड वॉज नेवर रियली नोन फॉर दैट मास मार्केट। वो यूनिकनेस के लिए जानी जाती है, वो एक अलग प्रीमियम सेगमेंट है, बट उनको आप मास मार्केट मोटरसाइकिल चलाना है, मतलब कल के दिन अगर वो स्प्लेंडर लेके आ जाएंगे तो स्प्लेंडर से तो हारोगे ही ना। सो दैट इज द प्रॉब्लम विथ हंटर, आपको लेना है लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपनी मेरे को एक रुपये नहीं देती है, सो मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, ना आप लेके गाड़ी मेरे को 5 रुपये देने वाले हो, सो दैट इज़ नॉट द केस। द प्रॉब्लम इज मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों को सही चीज़ सजेस्ट करने के लिए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। सो अगर आप इन दोनों के बीच में ऐसे पूछो, दिस मोटरसाइकिल अकॉर्डिंग टू मी इज वे मोर वैल्यू फॉर मनी एंड दिस इज द मोटरसाइकिल दैट आई विल रिकमेंड टू यू ऑल, बिकॉज यहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, ज़्यादा वैल्यू मिलेगी एंड एट द सेम टाइम यू विल गेट अ फार बेटर प्रोडक्ट जिसमें बेटर फिट एंड फिनिश है, ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा बेटर ग्राउंड क्लियरेंस है, सर्विस की भी कोई दिक्कत नहीं, बार बार ब्रेक डाउन नहीं होगा। अब अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट रॉयल इनफील्ड फैन हो एंड यू वॉन्ट अ रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल विच कैन बी ईजिली रिडन इन सिटी एंड ट्रैफिक, देन यू कैन गो फॉर हंटर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या ही दिक्कत होगी यार, सो दैट्स द केस। बट इन दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू मी रॉनिन इज अ बेटर मोटरसाइकिल। सो या दैट वॉज द रिव्यू, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन लो आपको वीडियो कैसा लगा एंड सी योर नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो अपने पैकेजेस आराम से खोलना, अदरवाइज आपका भी हाथ में जैसे कटे आएगा, तो कटर आराम से यूज करें। सी योर नेक्स्ट वीडियो, बाय।